नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। किसी लड़की के टी शर्ट में हाथ डाल के उसके छाती से लेकर नाभि तक हाथ घुमाते हुए उस खिलाड़ी को कोई कहे कि मैं तुम्हारी सांस का पैटर्न देख रहा हूं, सांस कैसी लेती हो। किसी लड़की ने गोल्ड मेडल जीतने पे उसे कमरे पे बुलाकर अपने बाहों में कस करके कसीपना और उसे कहना कि तुझे आगे भी बहुत खेलना है, थोड़ा कोऑपरेट कर तो तेरे खेल में तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फोटोग्राफ के लिए जब लड़की खड़ी होती है तो धीरे से उसके पीछे हाथ घुमाना, लड़की सोफा सेट पे बैठी है तो उसके पास बैठ के उसके शरीर पे हाथ घुमाते हुए मजे लूटना, सीधा सीधा हम बिस्तर होने का ऑफर देना, लड़की ने मना करने पे उसे ट्रायल में फेल करवा देना, तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए ये कोई मैं हिंदी पिक्चर की कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, या हिंदी पिक्चर के जो विलन्स है उनके सीन नहीं समझा रहा हूं मैं आपको। ये हमारे उन खिलाड़ियों के साथ हुआ जो खिलाड़ी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में मेडल लेके आए हैं। मैं उन कुश्ती खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं जिनको अपने शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए न्याय तो नहीं मिला, उनके ऊपर केसेस जरूर दर्ज हुए कि वो बलवा कर रही थी। ये 21वीं सदी का भारत है, ये विश्व गुरु भारत की कहानी है। आज अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने उन तमाम 10 लड़कियों के वो स्टेटमेंट छापे है जिसके भरोसे FIR दर्ज हुई है, और उनका वक्तव्य सुनने के बाद कोई भी इंसान जिसके सिरे में थोड़ा दिल है, जो पारिवारिक है, जो समाज में सामाजिक है, वो पूरे दिन के लिए आज हिल गया होगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा। और फिर मैं मान सकता हूं, मैं साष्टांग दंडवत करता हूं, सैल्यूट करता हूं उन महिला खिलाड़ियों को कि इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद, इतना मानसिक तकलीफ होने के बाद वो लड़कियां देश के लिए मेडल लेके आई। काश यदि इतनी प्रताड़ना नहीं होती तो हमारे यहां मेडलों की छड़ी लग जाती। विदेशों में जब जिस होटल में लड़कियां रुकी हुई है, जिस फ्लोर पे लड़कियां रुकी हुई है, उसी फ्लोर पे हमारे अध्यक्ष रुकते हैं, लुंगी पहन के घूमते हैं, जो लड़की रस्ते में दिखी उसके सीधा बुलाकर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर उसके बाद उसके शरीर टटोलना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी सांस देखनी है मुझे। कोई लड़की वर्कआउट कर रही है तो वहां जाके उसके पास बैठ के उसके फिर शरीर पे हाथ घुमाते हैं, मुझे तुम्हें तुम्हारी सांस देखनी है। और लड़कियां इतनी पागल नहीं कि वो समझ आता है उनको कि कौन सांस देख रहा है, कौन चेक कर रहा है और कौन इसका फायदा उठा रहा है। लड़कियां इतनी डर गई थी कि लंच ब्रेकफास्ट डिनर के लिए यदि जब होटल के रेस्टोरेंट में जाना है तो सब मिलके इकट्ठा जाती थी, क्योंकि अकेली यदि लड़की गई तो उसके साथ भरे रेस्टोरेंट में वही होता था जो कमरे में बुला के किया जाता था। यह व्याभिचार का दंगा नाच इसलिए हो रहा था क्योंकि पिछले 16 साल से अपने पैसे और बाहुबल के भरोसे कुश्ती फेडरेशन पे कब्जा बनाए रखे हुए थे ब्रजभूषण सिंह, और सांसद थे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जिनकी सत्ता केंद्र में है। जब सैया भय को तलवार तो डर काहे का, और वो जो भाजपा, जो चाल चरित्र चेहरे वाली भाजपा है,
उसका चरित्र भी उजागर हो गया, चेहरा भी उजागर हो गया और चाल भी उजागर हो गई जब ब्रजभूषण जैसे व्याभिचारी और बाहुबली को संरक्षण मिलता है। दिल्ली पुलिस, ब्रजभूषण जी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस इंक्वायरी कर रही है, मेरा विश्वास है। कौन रखेगा दिल्ली पुलिस में विश्वास? जब लड़कियां दिल्ली पुलिस के पास गई तो दिल्ली पुलिस ने FIR तक दर्ज करने के लिए मनाने लायक नहीं समझा, उनको भगा दिया। ये तो अच्छा हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय तक गुहार लगानी पड़ी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिस दिल्ली पुलिस ने ये FIR दर्ज कर दी, उनसे कैसी अपेक्षा हो सकती है कि वो इन लड़कियों के साथ न्याय करेगा? होना तो ये चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय को एक सीनियर रिटायर्ड जज के अंडर कमिटी नियुक्त करके इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि विदेशों में हुआ ये, अब हमें विदेश जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, समय निकालने की बात हो रही है। लड़कियां आंदोलन कर रही थी, एक दिन धावा बोल के उनका सब सामान फिंकवाया गया, जंतर मंतर से दूर किया गया। लेकिन क्या मामला यहां समाप्त हुआ? नहीं। आज हरियाणा में किसान संगठनों की और खाप पंचायतों की बैठक हुई, 5 घंटे मैराथन बैठक चलने के बाद यह तय हुआ, 9 जून का एक अल्टीमेटम दिया जाता है सरकार को, इस नराधाम व्याभिचारी को यदि सरकार अरेस्ट नहीं करती तो फिर खाप पंचायत और संगठन, किसान संगठन खुद इन लड़कियों को फिर वापस जंतर मंतर पे ले आएंगे। उसमें जो संघर्ष होगा वो क्या रूप लेगा ये भगवान जाने। गांधी का देश है, अहिंसा के पुजारी हैं हम उस सर्वश्रेष्ठ को प्रार्थना करता हूं, उस राम को प्रार्थना करता हूं कि संघर्ष रक्त रंजित ना हो। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि सरकार जिस अड़ियल रुख से अटकी हुई है, नए पार्लियामेंट में उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए यज्ञ होते हैं, गंगा जल से राजदंड धुल के स्थापित होता है, उनकी दीवारों पे प्राचीन प्रजातंत्र के आलेख हो या चित्र हो उकेरे जाते हैं, और कहा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी प्रजातंत्र है हम पुराणों तक जाते हैं, उपनिषद वेदों तक जाते हैं, हम सिर्फ डेट्स पे काम करते हैं, हम पुराने पुराने सालों तक जाते हैं लेकिन उनको समझने का प्रयास नहीं करते। किसी भी वास्तु की पवित्रता उसमें रहने वाले पवित्र लोगों से होती है। जेल में सजा याप्ती, जिनको सजा मिली है वो भयंकर गुनहगार जिस जेल में हो, वहां कितना भी होम हवन करो उसको पवित्रता तो वही रहेगी। रावण भी बहुत होम हवन करता था लेकिन उसकी करतूतें इतनी घिनौनी थी कि वो पवित्र कभी लंका को मिल ही नहीं पाया। आज भी लंका को रावण की लंका करके ही दुर्लक्षित किया जाता है। जिस पार्लियामेंट में ऐसे व्याभिचारी बैठते हो उस पार्लियामेंट में कितने होम हवन, कितने राजदंड उस पार्लियामेंट की पवित्रता का को रखेंगे भगवान जानता है। क्या राजनीति में चुनाव जीतना इतना अहम हो गया है कि एक जमाना था गुंडे बदमाश नेताओं के दरबार में बाहर दरबारी दरबान बना हुआ करते थे, आज नेता दरबान बने हुए हैं इन गुंडों और बदमाशों के दरबार में। चंद सीटों के लालच में लड़कियों की इज्जत नीलाम होते हुए ये देश देख सकता है। आंदोलन देश में कूट खड़ा हो रहा है ये लोग देख सकता है। विदेशों में देश की बेइज्जती हो रही है पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि जिन लड़कियों ने ओलंपिक में मेडल लिए पूरे विश्व उनके सामने नतमस्तक है। ये लड़की कहीं पर भी चली जाए विश्व में तो रेड कार्पेट से उसका स्वागत होता है क्योंकि ओलंपियन विजेता है। वो अपने देश में अपने हुए अन्याय पे, अपने शारीरिक शोषण के खिलाफ न्याय मांग रही है और सरकार चुप है। धन्यवाद देता हूं इंडियन एक्सप्रेस का जो आज उन्होंने लेखा जोखा सामने लाया। वो पढ़ने के बाद सुन्न हो गया दिमाग कि आने वाले समय में कोई अपनी लड़की को खेलने भेजेगा यदि इस लेवल पे बात होती है। गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, तुम्हारे पास इलाज का खर्चा पैसा नहीं है, इलाज मैं करवाऊंगा स्पोर्ट्स इंजरी का, लेकिन थोड़ा
कोऑपरेट करना पड़ेगा, कमरे में आना पड़ेगा। आपको प्रोटीन सप्लीमेंट मुहैया करवा दूंगा, कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ेगा। ये पिता द्वारा शारीरिक शोषण का मामला है, क्योंकि किसी भी फेडरेशन का अध्यक्ष वहां के खिलाड़ियों के पिता समान होता है, और हमारे देश के पिता समान जो हमारे प्रधानमंत्री है वो उस पर मौन है। ये सबसे बड़ा दुख आज क्षण को सभी देशवासियों को है। 50% आबादी इस देश की गुनहगार को भी देख रही है, गुनहे को भी देख रही है, और इन गुनहगारों का संरक्षण देने वाले सरकार को भी देख रही है। महिला अपनी बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान दांव पे लगा देती है, उन महिलाओं को जब ये देखने को मिलेगा कि सरकार चंद सीटों के लालच में लड़कियों की इज्जत नीलाम होने दे रही है, क्या वो उसको माफ करेगी? ये 2024 के नतीजे बताएंगे। याद रखिएगा, गरीब के या भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। उसके लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन निर्णय कर देती है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत हुआ, कौरव समाप्त हो गए। सीता का हरण हो गया तो बलशाली इंद्र जीत जैसे लोगों को साथ में रखने वाला रावण समाप्त हो गया। कलयुग है, यह इन बेटियों की इस्मत लूटने वाले के पीछे जो भी खड़ा होगा वैसा ही उसका हश्र होगा जो कौरव का और रावण का हुआ। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।